कांग्रेस और बीजेपी के बीच में पेंडुलम की तरह घूमने वाले या यूं कहें कि दल बदलने से चर्चाओं में बने रहने वाले महर्षि बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी आजकल सीए के विरोध को लेकर काफी चर्चा में है। नारायण त्रिपाठी ने दल तो नहीं बदला है मगर फिर भी अपनी पार्टी लाइन से हटकर सीए के विरोध में बयान दिया है। त्रिपाठी का कहना है कि धर्म के नाम पर देश का बंटवारा नहीं किया जाना चाहिए। दल बदलू नेता की छाप रखने वाले जिन्होंने अपनी ही पार्टी को धोखा देकर कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी और चर्चा में आ गए थे, हम बात मेयर विधायक नारायण त्रिपाठी की कर रहे हैं। फिलहाल वे एक नई चर्चा या कह सकते हैं कि एक नई मुसीबत में पड़ गए हैं। नारायण त्रिपाठी ने एक ऐसा बयान दे डाला है जिससे सियासत गर्मा गई है। अब समझने वाली बात यह है कि नारायण त्रिपाठी ने दल बदल कर कांग्रेस का दामन तो नहीं थामा है, फिर भी अपनी पार्टी के विरोध में आखिर बयान क्यों दिया है। ये नारायण त्रिपाठी का सुर्खियों में बने रहने का स्टंट है या फिर वे किसी के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं, कोई उनसे ये सब बुलवा रहा है। अब आपको सुनाते हैं कि नारायण त्रिपाठी बोल क्या रहे हैं। त्रिपाठी कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर देश को नहीं बांटना चाहिए। त्रिपाठी ने कहा या तो आप संविधान के साथ हैं या विरोध में हैं, और यदि संविधान के हिसाब से नहीं चलना है तो फाड़ कर फेंक देना चाहिए। मैं गांव से आता हूं और गांव में आज आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं तो बाकी कागज कहां से लाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, उन्होंने कहा कि सीए कानून के कारण गांव में गृह कलेश जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। आज गांव के लोग एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, लेकिन धर्म के नाम बंटवारा किया जा रहा है, ये गलत है। खैर, जब उनसे ये जानना चाहा कि आप पार्टी लाइन से हटकर बयान दे रहे हैं तो उस पर नारायण त्रिपाठी ने कहा, ये मेरे दिल की आवाज है। मैं गांव से हूं और गांव की जो तात्कालिक परिस्थितियां देखा हूं उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि या तो हम बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का सम्मान करें, उसका पालन करें, या तो उसको फाड़ के फेंक दें। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में ये बोला गया है कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में धर्म के आधार पर बंटवारा संभव नहीं है। इसके बाद भी ये बंटवारा किया जा रहा है, यह दो में से एक बात सिद्ध होती है, या तो आप संविधान के साथ हैं या संविधान के खिलाफ में। दूसरी स्थितियाँ, आज गांव में आधार कार्ड बनवाने के लिए गांव का गरीब आदमी भटकता रहता, शहर का गरीब आदमी भटकता रहता, जानकारी के अभाव में इतने पेपर इकट्ठा करके ये नागरिकता के कागज बनवाना भी बड़ा संभव काम है। आज हमारे देश में एक तरह से गृह कलह की स्थितियां हो चुकी है, एक दूसरे की तरफ लोग देखना बंद कर दिए हैं। हम गांव में देखें, हमारे गांव के छोटे गांव में मुसलमान रहता है, अभी तक हम लोगों को पंडित जी पाए लागी कहती थी, आज वो देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। जिस देश में, जिस गांव में, जिस घर में, जिस मोहल्ले में गृह कलह हो जाएगा, उस घर में, उस प्रदेश में, उस देश में सुख शांति संभव नहीं है। हमारे वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम लोग एकता अखंडता की बात करते हैं और धर्म के नाम पर बंटवारा करेंगे, ये देश नहीं चल पाएगा। इसलिए ये मेरे दिल की जो बात थी, मैं आप लोगों के माध्यम से आज ये बात रख गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज।